नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन रहा है, रोड टू सक्सेस, रोड टू स्टार्टअप। दोस्तों, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसके मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो शायद आप सभी को जानने के आप इच्छुक होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसा होता है क्या कि हर कहानी का अंत, हर प्रेम कहानी का अंत दुखद होता है कि प्रेमी मिल नहीं पाते, दोनों बिछड़ जाते। ये तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चे दिल से की हुई मोहब्बत, उसके लिए तो भगवान भी राज़ी होता है। लेकिन उस वक्त की बात है जब सूर्या जी और देवानंद साहब फिल्मों में थे, तो उनकी जो नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी, वो बातें सब न्यूज़ मैगज़ीन सब में आने लगी थी, तो सूर्या जी की दादी माँ ने उसके लिए इनके पीछे कुछ पाबंदियाँ लगा दी थी। वो जब शूट पे जाती थी तब उनके पीछे उनका कोई ना कोई आदमी रहता ही था, तो दोनों ये ध्यान रखते थे कि ये दोनों मिल नहीं पाए। जो आदमी रहते थे वो उन पे जैसे नज़र रखते थे, तो उनकी दादी माँ और ये जो पाबंदियाँ आने की वजह से दोनों मिल नहीं पाते थे। लेकिन दोनों एक दूसरे को दिल ही दिल में चाहते थे और उनकी शायद सच्ची मोहब्बत थी। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ कि जब इतनी पाबंदियाँ बढ़ने लगी तो इन दोनों ने नक्की किया कि हम भाग के शादी कर लेते हैं। ये बात जब सूर्या जी की दादी माँ को पता चली तो उन्होंने जवाब भेजा देवानंद साहब के पास कि उनकी लाइफ से दूर रहिए, सूर्या जी की लाइफ से दूर रहिए, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये बात भी कह दी थी, बड़े लोगों की बात थी। तो सूर्या जी भी नाराज़ हो गई, वो भी चाहती थी कि उनकी शादी हो, लेकिन देव साहब ने भी मुसीबतें, दोनों ही दिल में तड़पते रह गए। लेकिन वो वक्त ऐसा था कि जब आज के वक्त में होता वैसा नहीं होता था, वो दोनों मिल नहीं पाए। सूर्या जी ने भी मन ही मन अपने घर वालों की बात मान ली और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं शादी उनके साथ नहीं करूँगी। लेकिन ये भी कहा कि आप लोगों की भी बात मैं मान लेती हूँ और मेरे दिल की भी बात भी मैं मानूंगी, मैं ज़िंदगी भर कुंवारी ही रहूँगी, मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। क्या दोस्तों, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हर प्रेम कहानी का यही अंत होता है क्या? नहीं ना। तो दोस्तों, क्यों ऐसा होता है, क्यों दो दिल मिल नहीं पाते? ऐसा ही हुआ था सूर्या जी और देवानंद की लाइफ में। तो दोस्तों, उसके बाद जब तक सूर्या जी जी अकेली ही जी, शादी नहीं की। दोस्तों, यही कुछ कहानी थी। ऐसे ही कहानियाँ, ऐसी ही बातें कुछ लेके मैं आऊँगा, आपका दोस्त, आपका होस्ट। अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कीजिए, जो नीचे जो लाल बटन आता है वो दबा दीजिए और ऑल पे दबा के ये साइन कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमस्कार।